आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर आर इंटेग्रेबिलिटी, मतलब स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर आर इंटेग्रेबिलिटी, मतलब रिमान इंटेग्रेबिलिटी होने के लिए क्या नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन बनेगा। इसका जो स्टेटमेंट बनेगा, लेट द बीच बॉन्डेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन इफ बिलोंग्स टू आर ए बी, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट a partition P of closed interval AB such that UP minus LP less than, मतलब यह कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशियंट भी है। नेसेसरी क्या है, सफिशियंट क्या है? नेसेसरी है अगर कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा तो UP minus LP less epsilon हो, सफिशियंट होगा अगर UP minus LP less epsilon होगा, अगर UP minus LP less epsilon होगा तो डेफिनेटली फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा। मतलब नेसेसरी क्या होगा, अगर कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा, एक बार हम मानेंगे रिलेटिव इज रिमान इंटीग्रेबल, तो अगर कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा तो UP minus LP less epsilon रहा होगा। सफिशियंट क्या होगा, अगर UP minus LP less epsilon रहा होगा तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हुआ होगा। रिमान इंटीग्रेबल का जो फिलहाल डिफिनेशन है आपके पास में वह क्या है, कि किसी भी फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल करते हैं अगर लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर हो अपर रिमान इंटीग्रल के। अब लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, लोअर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, एलपी का सुप्रीमम होता है, अपर रिमान इंटीग्रल क्या होता है, यूपी का इन्फीमम होता है। तो फिलहाल वन बाय वन एक बार हम लोग सफिशियंट कंडीशन में आते हैं, देन फिर जाएंगे नेसेसरी कंडीशन में, या पहले नेसेसरी में देन सफिशियंट में, क्या करते हैं वन का देखिए इसका प्रूफ क्या बने। कंडीशन कंडीशन आर सफिशियंट, फॉर एवरी पार्टीशन, एवरी पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट UP minus LP less epsilon. We want to show that if belongs to RAB. अब इफ बिलोंग्स टू आर ए बी का क्या मतलब, आपको दिखाना पड़ जाएगा कि लोअर रिमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रिमान इंटीग्रल, यह आपको प्रूफ करना है मैथमेटिकली। यदि दो नंबर्स को आपको बराबर दिखाना है तो आपको अगर ए बराबर बी दिखाना है तो आप लॉजिक को जो ए लेस इक्वल्स बी एंड बी लेस इक्वल्स ए का, तो वन बाय वन सिंस लोअर रिमान इंटीग्रल बार ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल्स टू एल यू बी ऑफ एल बी, एल यू बी ऑफ एल बी, दिस इंप्लाइज एल बी लेस इक्वल बार ए से बी एफ डी एक्स, सिंस अपर रिमान इंटीग्रल ए से बी बार एफ डी एक्स
ये होता है जीएलपी ऑफ यूपी डिसिम्बलाइज ए से डी बार एफ डी एक्स लेस इक्वल यूपी। इसका मतलब आप इस दोनों इक्वेलिटीज को एक साथ में यूज कीजिए, इस दोनों इक्वेलिटीज को एक साथ में यूज कीजिए, जो रिजल्ट बनेगा दोनों से एक रिलेशन फॉर्म करेगा। चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड सेम टाइप के इक्वेलिटीज को ऐड करने से इनइक्वेलिटीज के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मतलब निकला जो एलपी प्लस अपर लिमिट इंटीग्रल ए से बी बार एफ डी एक्स लेस इक्वल लोअर लिमिट इंटीग्रल बार ए से बी एफ डी एक्स प्लस यूपी लोअर लिमिट अपर लिमिट को एक साथ में लाओ डिसिम्पलाइज ए से बी बार एफ डी एक्स माइनस बार ए से बी एफ डी एक्स लेस इक्वल यूपी माइनस एल बी यूपी माइनस एल बी। इसका मतलब ए से बी बार एफ डी एक्स माइनस बार ए से बी एफ डी एक्स लेस एप्सिलॉन। क्यों? चूंकि यूपी माइनस एल बी लेस एप्सिलॉन था, इससे मतलब निकलता है डिसिम्पलाइज ए से बी बार एफ डी एक्स लेस ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। इससे मतलब निकलता है ए से बी बार एफ डी एक्स लेस इक्वल ए से बी बार एफ डी एक्स, कोई इक्वेशन नंबर ए। बट हम लोग जानते हैं इसके मदद से यह प्रूफ हो गया जो अपर लिमिट इंटीग्रल छोटा होगा लोअर लिमिट इंटीग्रल से, बट वी नो दैट लोअर इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड अपर आर इंटीग्रल, लोअर लिमिट इंटीग्रल लेस इक्वल अपर आर इंटीग्रल। इसका मतलब निकला दैट इज बार ए से बी एफ डी एक्स लेस इक्वल ए से बी बार एफ डी एक्स। इस दोनों इक्वेशंस को मिला फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ए लेस इक्वल बी बी लेस इक्वल ए This implies lower limit integral bar a से b f dx is equals to a से b bar f dx। जब ये lower limit integral बराबर है upper limit integral के, therefore f belongs to R a b, मतलब function is demand integral over closed interval a b। आपका sufficient हो
क्वेश्चन प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ? सफिशियंट कंडीशंस क्या था? हम मान लिए किसी भी पार्टीशन पी के लिए यूपी माइनस एलपी लेस एक्सेलेंट है। आपको दिखाना था तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। रीमान इंटीग्रेबल दिखाने के लिए तुम्हारे पास में फिलहाल जो लॉजिक है वह एक ही है, डेफिनेशन जो लोअर रीमान इंटीग्रल से बराबर होना चाहिए अपर रीमान इंटीग्रल के। मैथमेटिकली अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको इक्वल दिखाना हो ए इक्वल बी, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको दिखाना हो ए इक्वल्स बी, आप प्रूफ करो ए लेस इक्वल्स बी एंड बी लेस इक्वल्स ए। तो हमको दिखाना था लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल्स टू अपर रीमान इंटीग्रल कॉस ऑफ यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन। हम अपर रीमान इंटीग्रल्स का डेफिनेशन डाले, लोअर रीमान इंटीग्रल्स का डेफिनेशन डाले, वहां से इनइक्वालिटीज दो बनाए, उस दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड करके एक रिलेशन बना दिए। वह रिलेशन बना हमारा जो अपर रीमान इंटीग्रल लेस लोअर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज हाउएवर स्मॉल, जब आप इसको हटा दोगे या इसके बराबर हो जाएगा, इट मींस एक रिलेशन हमको बना जो अपर रीमान इंटीग्रल लेस इक्वल लोअर रीमान इंटीग्रल। बट हम लोग पहले प्रूफ भी किए थे लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल कभी भी बढ़ नहीं सकता है अपर रीमान इंटीग्रल के। उस डेफिनेशंस को यूज कर रहे हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल छोटा या बराबर होगा अपर रीमान इंटीग्रल से। आप इस इक्वेशन में कह रहे हो अपर रीमान इंटीग्रल लेस इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल, और यहां आके आप कह रहे हो लोअर रीमान इंटीग्रल लेस इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल। दोनों को अगर आप एक साथ में कंबाइन करोगे, दोनों को अगर आप एक साथ में कंबाइन करोगे तो ए लेस इक्वल्स बी, बी लेस इक्वल्स ए, ए बराबर बी, देयरफॉर अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल। जब अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा लोअर रीमान इंटीग्रल के, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। मतलब आप प्रूफ कर दिए अगर यूपी माइनस एलपी, अगर यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन है देन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। आगे हम लोग इसका कन्वर्स पोर्शन करेंगे। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कहने का मतलब जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है आपको प्रूफ करना पड़ेगा यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन होगा। मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है आपको प्रूफ करना है UP minus LP less epsilon, let F belongs to R AB, that is lower Riemann integral is equals to upper Riemann integral। आपको दिखाना पड़ेगा we want to show that UP minus LP less epsilon, so you want the one since lower Riemann integral matlab R A se B f dx equals LUB of LB, according to definition ये LUB हुआ किसका? LB का। definition के according LB छोटा या बराबर हुआ होगा supremum से, then the characteristics of supremum है जब अगर ये सुप्रीमम है, अगर इसमें से कुछ घटा के सेट के किसी न किसी मान से छोटा हो जाएगा, फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीमम बार ए से बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू लेस एल बी। क्योंकि जब सुप्रीमम में से कुछ घटाओगे, ये सुप्रीमम था इसका सुप्रीमम था, सुप्रीमम में से अगर सबट्रैक्ट कर दें वह सेट के किसी न किसी मान से छोटा हो जाएगा। सेम लॉजिक पे
फिर अपर रिमाइंड इंटीग्रल से सी एक्स, अपर रिमाइंड इंटीग्रल ए से बी बार एफ डी एक्स इक्वल्स टू जी एल बी ऑफ यूपी। जीएलबी इनिशियम छोटा या बराबर होगा, दिस इंप्लाइज ए से बी बार एफ डी एक्स लेस इक्वल यूपी। जीएलबी में अगर कुछ जोड़ दें तो वह सेट के वन से बड़ा हो जाना चाहिए, यह भी फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनिशियम ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू ग्रेटर यूपी। इट मीन्स यूपी ही बड़ा हो जाएगा, यूपी बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, मतलब एक जैसा अगर लिखो तो यूपी लेस ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय टू। इस दोनों इनइक्वालिटीज को आपस में ऐड करो, कोई इनइक्वालिटीज थर्ड एंड फोर्थ मान लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ, जब ये थर्ड प्लस फोर करोगे तो वी गेट बार ए से बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई टू प्लस यूपी लेस एलपी प्लस ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू। यूपी एलपी एक साथ में लाइए, यूपी माइनस एलपी लेस ए से बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू माइनस बार ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई टू। चूंकि लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स बराबर है अपर रिमाइंड इंटीग्रल्स के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब निकला यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन व्हिच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। क्यों? लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स बराबर है अपर रिमाइंड इंटीग्रल्स के, सेम में से सेम घटेगा तो रिजल्ट हो जाएगा जीरो, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन। मतलब इसमें क्या लॉजिक यूज किए, कंडीशन नेसेसरी क्वेश्चन, मान लीजिए जो फंक्शन रिमाइंड इंटीग्रल है, जो फंक्शन रिमाइंड इंटीग्रल है तो लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स बराबर रहा होगा अपर रिमाइंड इंटीग्रल्स के, ये है। हमको दिखाना क्या है, तो यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन। अब यूपी एलपी अपर रिमाइंड इंटीग्रल्स लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स में रिलेशन क्या बनता है, तो लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स बराबर होता है एलयूपी ऑफ एलपी के, कौन एलपी, किसका एलयूपी, एलयूपी ऑफ एलपी, एलयूपी ऑफ एलपी मतलब सुप्रीमम ऑफ एलपी को लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स बोलेंगे। तो सुप्रीमम में और फंक्शन में क्या रिलेशन बनेगा, तो एलपी छोटा या बराबर होगा, एलपी छोटा या बराबर होगा अपने सुप्रीमम से, देन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीमम, अगर वो सुप्रीमम है सुप्रीमम में से अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह सेट के किसी न किसी मान से छोटा हो जाएगा। ये तुम्हारा सुप्रीमम है, इसमें से कुछ घटा दिए या सेट के किसी न किसी मान से छोटा हो गया। सेम लॉजिक, अगर इनफिमम में कुछ जोड़ दें तो वह सेट के किसी न किसी मान से बड़ा हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिए, यूपी एलपी एक साथ में अरेंज किए, अपर रिमाइंड इंटीग्रल्स लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स एक साथ में अरेंज किए, आया हमारा रिजल्ट यूपी माइनस एलपी लेस अपर रिमाइंड इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय टू माइनस लोअर रिमाइंड इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय टू। अपर रिमाइंड इंटीग्रल्स लोअर रिमाइंड इंटीग्रल्स इक्वल्स है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू। इट मीन्स एप्सिलॉन दे आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब अगर कोई भी फंक्शन रिमाइंड इंटीग्रेबल था यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन था, एंड सफिशियंट कंडीशन है, जब यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन होगा देन फंक्शन रिमाइंड इंटीग्रेबल होगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपको
इसके बाद अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको रिमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ करना हो, किसी भी स्टेटमेंट में आपको अगर रिमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ करना हो, आप यह नहीं दिखाते हैं लोअर रिमान इंटीग्रल बराबर होगा अपर रिमान इंटीग्रल के, उसके बदले में अगर आप इतना ही दिखा दोगे यूपी माइनस एलपी लेस एप्सिलॉन है तो उससे मतलब निकल जाएगा, तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा।